अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की जरूरी अपडेट और कुछ आपके सवाल के जवाब जो इम्पोर्टेंट है लास्ट में बताता हूँ। वीडियो पूरी देखिए ताकि आपको पूरी बात मालूम हो जाए। सबसे पहले मैं आपको फोटो शेयर करूंगा, आप देख रही है ट्विटर अकाउंट का फोटो है एयर इंडिया का। तो आप लोग बहुत बार कमेंट कर रहे थे ये कि जावेद भाई, इंडिया से हम कैसे फ्लाइट लेंगे, टिकट बुक करना है, कैसे करेंगे, क्या हम ट्रैवल एजेंट से लेना है। तो उसके रिलेटेड ही अपडेट है। तो एयर इंडिया के टिकट आप कभी भी किसी भी टाइम बुक कर सकते हैं। डायरेक्ट फ्लाइट आपने अगर दोनों दवा सऊदी में लगाई है तो डायरेक्ट फ्लाइट आप ले सकते हैं। यहाँ पर ट्वीट करके बताया गया दिल्ली रियाद, दिल्ली से दम्माम, दिल्ली से जद्दा, जहाँ का भी आपको फ्लाइट का टिकट चाहिए तो आप डायरेक्ट ले सकते हैं। आप एयर इंडिया के ऑफिस से ले सकते हैं या आप ऑफिशियल जो वेंडर लोग होते हैं, जो ट्रैवल एजेंट लोग होते हैं, इनसे भी आप ले सकते हैं। तो डायरेक्ट फ्लाइट आप कहीं भी हैं, सऊदी जाना चाहते हैं डायरेक्ट, अगर आपने दवा दोनों लगाई है सऊदी में तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं। लेकिन ये फ्लाइट जो इंडिया में दवा लगाए हैं या एक दवा लगाए हैं सऊदी में, वो नहीं ले सकते, उनको वाया होकर के जाना होगा, वाया दुबई या किसी भी और देश से। अगली अपडेट मैं आपको शेयर करूँ ये उमरा के रिगार्डिंग है। जो फैमिली वाले 12 साल के बच्चे लेकर जाते हैं उमरा पे, तो उनके लिए खासकर अपडेट है। परसों मैंने कहा था कि बच्चे भी आप लेकर के जा सकते हैं। तो आपको मैं आप देख रहे हैं हरमैन का ट्विटर अकाउंट से ऑफिशियली शेयर किया गया है कि इस टाइम पे उमरा करने अगर आप आते हैं तो 12 साल के बच्चों की एंट्री नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इट वाज अनाउंस्ड इन ए रिस्पॉन्स टू ए यूज़र, मतलब यहाँ पर पूछा गया था, किसी ने पूछा था यह हरमैन के ट्विटर अकाउंट पर कि ऑफिशियली क्या हम बच्चे लोगों के उमरा पर लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 12 साल के बच्चे को नॉट अलाउड है, आप नहीं लेकर जा सकते ड्यू टू कोविड की वजह से। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। और एतमरना ऐप और सेहती ऐप और तवकलना ऐप के जरिए आप परमिट ले सकते हैं सऊदी अरब का। उमरा करना है तो बिना परमिट के आप इंटर भी नहीं करेंगे, ध्यान रहे आपको। और जो अभी आप नमाज़ पढ़ना चाहते हैं मक्का के अंदर में या मदीना के अंदर में, तो आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी परमिट अभी भी है। अगली फ़ोटो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं टूरिस्ट वीज़ा रिलैक्सेशन फॉर फॉरेन टूरिस्ट। ये जो अपडेट है ये इंडियन एम्बेसी बहन की तरफ से बताया गया है। ये आप लोगों ने मुझे ट्विटर पे शेयर किया, भाई ये क्या है बताइए, जावेद भाई समझ में नहीं आ रहा है। ये वही है जो दो तीन दिन पहले मैंने बताया है कि 5 लाख इंडियन वीज़ा टूरिस्ट लोगों के लिए अलाउ किया गया है, उसी के बारे में है। आपको ऑलरेडी पता ही है तो मैं ज़्यादा खींचू क्या इसको, ये वही है, बस पेज जो है थोड़ा पेज का कलर चेंज कर दिया गया आपको कन्फ्यूज करने के लिए। ठीक है, अगली फोटो में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से बताया गया है कि अगर आप बहरीन ट्रैवल करते हैं तो बहरीन में PCR टेस्ट आप लेकर के आते हैं, मतलब बहरीन से आप इंडिया आएंगे तो भी PCR टेस्ट लेकर के आना है, और इंडिया से आप बहरीन जाते हैं तो PCR टेस्ट लेकर के जाना है। लेकिन वहां पर बी अवेयर ऐप चलता है जिस पर आपको पूरा आपका जो डॉक्यूमेंटेशन वो करना होगा ऑनलाइन, जिस तरीके से सऊदी अरब के अंदर में तवक्कलना है इस तरीके से हर देश का अपना अपना एक ऐप है। कि अगली फोटो में आपको शेयर करूँ, आप देख रहे हैं सऊदी अरब में रियाद में पुलिस ने एक विदेशी को पकड़ा है जिन्होंने सऊदी अरब के लिए, बोलते हैं ना कि भाई फेक वीडियो मत बनाए करो, कोई भी आप काम कर रहे हो कभी भी सऊदी अरब में रह के सऊदी की बुराई मत करो, तो इस चीज़ से आप अवेयर रहिए क्योंकि आप पर बहुत अच्छा खासा फाइन आ जाएगा, गरामा आ जाएगा। तो इस समय हमारे एक भाई हैं उनको पकड़ा गया है और ये सऊदी के बारे में बुरा बोल रहे थे। ऐसे भी बहुत सारे टिकटॉक यूज़र अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग टिकटॉक पे गाली गुफ्ता करते रहते हैं, हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। आप सऊदी अरब के अंदर हैं या कहीं पर भी हैं तो ऐसे मत किया कीजिए, कोई पता नहीं है, कोई भी वीडियो आपकी सऊदी के हाथ लग गई तो आपकी लाइफ उथल से पुथल हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं बोलता नहीं हूँ, जो रियल रहती है वही बात बताता हूँ। ठीक है, बुरा लग रहा होगा मुझे पता है। अगली फोटो मैं शेयर करूँ आपको, ये कोरोना की आज है 19 अक्टूबर और आज 49 केस निकले हैं, 38 लोग ठीक हुए हैं। अगली फोटो कोरोना की इंडिया की है, आज के दिन अगर बात करें कोरोना इंडिया में तो आपको 13,058 केस निकले हैं। वैसे बता दूं यहाँ पर कोई आपको वैक्सीनेशन तो सब लोग लगा ही रहे हैं लेकिन यहाँ पर मास्क का उतना है नहीं, बट अब कोरोना है ही कहाँ, बस ऐसे ही चलता रहता है। तो ये थी कुछ अपडेट अभी शेयर की है। बात करते थोड़ा कमेंट के बारे में, हमारे बहुत सारे भाई कन्फ्यूज है। सवाल, जावेद भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। ये भाई हैं अवैस कासिम भाई। भाई हमने दोनों वैक्सीन सऊदी में लिया है और हमारे कंपनी ने हमें जो टिकट दिया है वो वाया होकर के दिया है। तो हमारे कासिम भाई का जो टिकट है वो वाया दुबई है, मतलब इंडिया से दुबई, दुबई में रुक करके फिर आएंगे सऊदी। इसी तरीके से कितने सारे लोगों का डायरेक्ट टिकट नहीं हो पा रहा होगा, डायरेक्ट टिकट महंगा होता है तो कनेक्टिंग फ्लाइट लेते हैं। तो ऐसे में क्वारंटाइन होगा क्या, सवाल ये है।
तो जी नहीं, आपका कोई क्वारंटाइन नहीं होगा क्योंकि आप हाल्ट पे हैं, ठीक है, एक दो घंटा तीन घंटा हाल्ट पे हैं और आप अपने प्रोसीजर के हिसाब से सही जा रहे हैं क्योंकि आपने कोरोना की दोनों दवा सऊदी में लगाई है, तो आपको कोई भी क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। मान लो किसी का दुबई से फ्लाइट है वाया दुबई, किसी का कुवैत से फ्लाइट है, किसी का कतर से फ्लाइट है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारे एक भाई ने कमेंट किया, अरशद भाई ने, जावेद भाई कोई रिश्तेदार अगर वीज़ा भेजता है तो कैसा रहता है? वीज़ा कोई भी भेजे, आपका काम है चेक करना, पता करना कौन सा है, कैसा काम है, सही है नहीं है, आज अच्छा बता रहे कल बुरा हो तो उसका मतलब कि कौन सॉल्यूशन निकालेगा। आज सऊदी आप इंडिया में हो, कल सऊदी पहुंच के वहां जाके फंस जाते हो, तो इसके बारे में कौन जिम्मेवारी लेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और किसी भी एजेंट से काम कराओ या रिश्तेदार से काम कराओ, पैसा दोनों जगह लगता है, ठीक है। रिश्तेदार के पास ज़्यादा पैसा लग भी जाता है और आप मुंह से कुछ बोल भी नहीं पाते हो, एजेंट के सामने तो कम से कम आप 10 बात बोल भी लेते हो, इस बात का ध्यान रखना। अगला कमेंट है हमारे भाई का जिनका नाम है स्टैनली, पता नहीं क्या नाम है, एस्पिरिटो, अच्छा ऐसा भी नाम होता है। जावेद भाई, इंडिया से सऊदी अरबिया जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम छुट्टी लेकर आए हैं, डबल डोज वैक्सीन सऊदी में लिए हैं, कुछ नहीं, फॉर्म भरो ऑनलाइन MOH की वेबसाइट का और तवक्कलना तो है ही आपके पास, अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है, वैक्सीन का सर्टिफिकेट तो है ही, डायरेक्ट टिकट लो एयर इंडिया का, ट्रैवलर से पता करो, आपको मिल जाएगा टिकट 15 से 20 से 25 के अंदर अंदर में टिकट मिल जाएगा, बस आराम से सीधा सऊदी डायरेक्ट, कोई रुकावट नहीं है आपका, आप आसानी से जा सकते हो। हमारे प्रदीप भाई ने कमेंट किया, भाई प्लीज़ मुझे बताओ, आप मैंने बहुत सारा कमेंट किया है, अच्छा ठीक है, इंडिया में तवक्कलना कर सकता हूँ, अगर इंडिया में तवक्कलना नहीं होगा तो कैसे क्या होगा? इनका बोलने का मतलब है कि तवक्कलना इंडिया में नहीं बनेगा तो कैसे क्या होगा। इंडिया में तवक्कलना किसी लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, मेरा भी अब एरर बता रहा है, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, मेरा भी तवक्कलना एरर दिखा रहा है और यहाँ पर तवक्कलना पहले चल रहा था, आप देखो ये मेरा भी नो इम्यून दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर नो इम्यून दिखा रहा है, नीचे रेड लाइन दिखा रहा है, तब थोड़ा कुछ इन्होंने अपडेशन किया है जो हम यहाँ पे नहीं कर सकते। तो तवक्कलना का ऐप डाउनलोड कर लेना है आपको, फॉर्म भर लेना ऑनलाइन, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, और आप आसानी से सऊदी जाना है तो वाया होके आप ट्रैवल कर सकते हैं, 14 दिन क्वारंटाइन होके आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये थी कुछ जरूरी बात और कमेंट का आपको सवाल का जवाब दिया हूँ। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर देना, यूट्यूब पर देख रहे हो या फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कर दो, बेल आइकन दबा दो, और कुछ बात करूँगा आपसे। अभी तक मैं दरभंगा के अंदर ही हूँ, ठीक है, अगर आप हमारे दरभंगा के मतलब दोस्त हैं, भाई हैं, आप मेरी वीडियो देखते हैं तो कुछ आप, मैं सोच रहा हूँ कहीं हम लोग मिल लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, वैसे बारिश भी हो रही है, ताकि हम भी आपसे मिल लें, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।